2015 में एप्पल ने आईफोन 6s को लॉन्च किया था, जो कि बहुत लोग खरीदने को दौड़ रहे थे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम पीपल एवरी इंच मैटर्स। इससे पहले एप्पल आईफोन 7 लॉन्च करे और मार्केट को फिर से डोमिनेट करे, सैमसंग ने जल्दी से नोट 7 लॉन्च कर दिया। अब इसके पीछे किसी का जूठा एप्पल तो नहीं था, लेकिन एक अच्छी स्क्रीन, केपेबल कैमरा और एक स्टाइलस का सपोर्ट भी था। बट फिर भी ये फोन एप्पल की एक्सप्लोसिव सक्सेस को रोक नहीं पाया, और इसका मेन रीजन था कि ये फोन चार्जिंग पे लगते ही फट रहे थे। सैमसंग ने पता लगाया कि प्रॉब्लम फॉल्टी बैटरीज की थी, जो ओवरहीट होके कंबस्ट हो रही थी। इसके बाद सैमसंग ने फॉल्टी फोन्स को रिकॉल किया और न्यू फोन से रिप्लेस कर दिया। लेकिन सैमसंग की किस्मत इतनी बुरी थी कि न्यू फोन्स में भी सेम प्रॉब्लम थी। कुछ फोन्स तो प्लेन्स में, कार्स में और इवन लोगों के हाथों में आग पकड़ रहे थे, और इस वजह से सैमसंग ने इमीडिएटली नोट 7 को सेल और प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। इससे सैमसंग को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ और रेपुटेशन भी डैमेज हुई, जिसकी वजह से सैमसंग को एक पब्लिक अपोलॉजी भी देनी पड़ी।